नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैंने एक साइट विजिट की। क्लाइंट ने एक फैक्ट्री के लिए मुझे प्लॉट दिखाया। आज उस प्लॉट के बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस प्लॉट के अंदर वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीज गलत लगी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा। आप भी अपने लिए कोई जगह खरीदने जा रहे हैं तो आप भी इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। जो प्लॉट मैंने देखा वो वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिम मुखी है और प्लॉट रोड लेवल से लगभग 2 फुट नीचे है। जब भी प्लॉटिंग होती है हमेशा ही सड़कें रोड ऊंची हो जाती है और प्लॉट नीचे रह जाते हैं। अब इस प्लॉट में खास बात क्या थी, प्लॉट का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है ये भी 90 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर भी 90 डिग्री, साउथ ईस्ट कॉर्नर 90 डिग्री प्लस और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर 90 डिग्री लेस माइनस। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण बढ़ जाता है और ऐसा प्लॉट हमेशा ही वास्तुशास्त्र में बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे प्लॉट को हमेशा ही खरीद लेना चाहिए। लेकिन इस प्लॉट के अंदर और भी कुछ कमियां थी। कमियां कैसे थी, एक तो प्लॉट वेस्ट फेसिंग था जो कि रोड लेवल से लगभग 2 फुट नीचे था और इसी प्लॉट के बैक साइड में यानी ईस्ट में भी एक रोड लगती है और वो रोड प्लॉट के लेवल से लगभग यानी कि अप्रोक्स 10 फीट ऊंची, यानी कि वेस्ट की रोड से प्लॉट से ईस्ट की रोड लगभग 10 फुट के करीब ऊंची है। तो ऐसी जगह कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसी जगह खरीदता है वो हमेशा ही परेशान रहता है। क्यों परेशान रहता है, क्योंकि ईस्ट में हमेशा के लिए रोड का लेवल ऊंचा हो गया और वो हमेशा सॉलिड रहेगा। जब भी ईस्ट की रोड ऊंची हो जाती है और वेस्ट की रोड नीची रह जाती है और ऐसी जगह बिल्डिंग बनाकर जो व्यक्ति काम करता है वो हमेशा परेशान रहता है। फाइनेंस के प्रति भी परेशान रहता है, कर्ज बढ़ता ही रहता है और काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं चलता। यदि आप भी कोई ऐसी साइट परचेज करने जा रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि ऐसी साइट को परचेज ना करें। यदि आपके पास ऐसा प्लॉट है और आप ऐसे प्लॉट के अंदर बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको वास्तुशास्त्र के नियमों का ध्यान रखते हुए आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। यदि आप ऐसे प्लॉट में बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए जो प्लॉट के अंदर मेन गेट लगाना है वो हमेशा वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की तरफ से लगाना चाहिए। पश्चिम दिशा में नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोने की ओर आपको अपना मेन गेट लगाना चाहिए। प्लॉट के अंदर आपको बोरिंग नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में, यहाँ पर आपको पानी की बोरिंग लगानी चाहिए। और आपको इस प्लॉट के अंदर बिल्डिंग बनानी है तो वो बिल्डिंग आपकी साउथ की दीवार पर और वेस्ट की दीवार पर, यहाँ पर आपकी अपनी बिल्डिंग बननी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए ऐसे प्लॉट के अंदर ईस्ट का भाग भी और नॉर्थ का भाग भी, ये दोनों ओपन जरूर रखें। ये तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ईस्ट और नॉर्थ दोनों दिशाएं ओपन जरूर रखें। डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको फ्रंट के भाग में भी ओपन एरिया रखना है यानी वेस्ट में भी ओपन एरिया रखना है तो आप वेस्ट में भी ओपन एरिया रख सकते हैं। लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना है जितना ओपन एरिया आप फ्रंट में वेस्ट में रखते हैं उससे ज़्यादा ओपन एरिया आपका ईस्ट में पूर्व दिशा में होना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र के नियम है। मेरा अपना मानना है जब आप इस प्रकार से बिल्डिंग बनाते हैं तो आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। आप मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मैंने अपने YouTube चैनल पर 500 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी ये सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। मैंने अलग अलग विषयों पर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है जिन्हें आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और अपने यहाँ छोटे छोटे बदलाव करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने घर के प्रति जानना चाहते हैं तो भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। फैक्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने फैक्ट्री के बारे में भी बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आपकी अपनी कोई दुकान है, शोरूम है या आपका ऑफिस है या इंस्टीट्यूट है तो भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने उनके ऊपर भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है अलग अलग दिशाओं के हिसाब से।
बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। आपकी समस्या का समाधान मेरी वीडियो में भी मिल जाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इसी के साथ आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने उन पर भी बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई है। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।